ऐसे खिडारी दी दास्तां है जिसने कदे ध्यान चंद नूं आदर्श मंदिया उन्हां दी तरह ही बनन दा सुपना वेख्या सी। पर हरियाणा दे अंबाला छावनी दा रहण वाला इह हाकी दा कौमी पद्धर दा खिडारी सिस्टम तो ऐसा हारिया कि अज कुली दा काम करन लई मजबूर हो गया है। अंबाला कैंट दे रेलवे स्टेशन ते लोकां दा समान अपने सिर अते रेड़ी राही ढोण वाला ए कुली कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचिया होया इंसान है जिथे लोक पहुंचण दा केवल सुपना ही देखदे हन। तारा सिंह नां दा ए कुली हाकी दा बहुत वड्डा खिडारी है। उसने राष्ट्रीय पद्धर ते अपने नां कई खिताब कीते हन। तारा सिंह दे सारे सर्टिफिकेट अते खिताब इस गल दी गवाही भरदे हन कि इस खिडारी ने किस मुकाम तक अपने जौहर विखाए हन। मैं नेशनल लेवल तक खेला हूँ, जिसमें हॉकी में था मैं, तो उसमें मेरी सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन थी। उसमें हमने कई बार स्टेट भी जीती है, विनर रहे हैं, और नेशनल में भी हमारे पूरे ऑल इंडिया में सेकंड पोजीशन थी। मतलब कि जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं या हमने करा है, उस हिसाब से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाया, जिसके कारण मुझे कुलीगिरी करनी पड़ रही है। लेकिन ये चलो जो भी है काम मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि कुछ हमें हमारे बारे में सोचा जाए, ताकि हम यहाँ लोगों का वजन उठा रहे हैं उससे हमें कुछ अलग से मिले। जी बहुत अच्छा खेले हैं जी, पर अब तक इसकी मेहनत का फल नहीं मिला। हम यही चाहते हैं अभी इसको नौकरी मिले। हाँ जी, हॉकी खेले, दूर दूर बहुत दूर दूर भी गए खेलने वास्ता, और खेले भी अच्छा, फिर भी इनकी मेहनत फला नहीं पड़ी। कहना चाहते हैं कि इसकी मेहनत फला पाओ, कुछ तो इसको वो करो ना। एक खिडारी अपनी काबिलियत दे मुताबिक नौकरी लभण लई कई सालां तक थां थां दियां ठोकरां खांदा रहा, लेकिन जिथे भी जांदा सरकारी सिस्टम दे अग्गे गोडे टेक के वापस आ जांदा, जिस तों बाद मजबूर हुंदियां अपने परिवार दा पेट पालन लई रेलवे स्टेशन दे कुली दा काम करन लई मजबूर हो गया। तारा सिंह दा कहना है कि हरियाणा ही नहीं सगो पूरे भारत च जेकर अजिहा ही सिस्टम ते हालात रहे तां हाकी दा भविख इंज ही धुंधला रहेगा। उसने दस्या कि भारत च हाकी दे लई एस्ट्रोट्रफ वाले मैदानां दी बहुत घाट है, जिस कारण साडे खिडारी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते वधिया प्रदर्शन नहीं कर पाउंदे। इंडिया में हॉकी का स्कोप तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जीरो है, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ की सबसे बड़ी कमी है पूरे हरियाणा में, क्या पूरे ऑल इंडिया में एस्ट्रोटर्फ की कमी है, जिसके कारण हमारी हॉकी पिछड़ती जा रही है और भी ज़्यादा। जैसे आप भी ओलंपिक हुआ, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हॉकी ने हमारी, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर पाई जैसे फॉरनर टीमों ने करा। हरियाणा के खेड मंत्री अनिल विज ने इस मामले संबंधी अपना पक्ष कुछ इस तरह रखा। देखो, उसका केस आएगा, अगर हम स्टडी करेंगे, अगर उसका कोई बनता होगा तो ज़रूर करेंगे। अब नौकरी कोई के लिए हमारा क्राइटेरिया है, पैमाना है, जिसने कोई इंटरनेशनल में कोई मेडल जीता हो उन्हीं को देते हैं नौकरी। बाकियों का तो कोटा है, कोटे में वो अप्लाई करके नौकरियां ले सकते हैं। बरहाल तारा सिंह ने ता कुली दे किते नू अपना जीवन समझ लिया है, पर उस सरकारां तो आने वाली पीढ़ी नू चंगी प्रणाली देने दी अपील जरूर कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोटर्फ भी हो बच्चों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी आ रही है, यंगस्टर आ रहे हैं, उनके लिए एस्ट्रोटर्फ का प्रबंध भी हो हरियाणा में, जो कि हमारे खेल मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ अपने जरिए कि जो नया फ्यूचर आ रहा है, नई जनरेशन आ रही है, उनको कम से कम एस्ट्रोटर्फ मिले। हरियाणा में अम्बाला में भी एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए। हाकी खिडारी नूं कुली दा काम करदिआं वेख खेडां प्रति कीते गए सरकारी दावियां दी हकीकत सामने आ रही है। जेकर सरकार ने इन्हां दी बाह ना फड़ी तां भविख च कोई भी नौजवान खिडारी बनना पसंद नहीं करेगा।